नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। मैं तो अभी देखिए क्या काम कर रही हूँ, उठी हूँ तो 5:30 बजे, पर नाश्ता उस्ता बना के घरवाला को भेज दिया ड्यूटी, टिफिन उफिन डाल के मैं अभी काम का शुरुआत कर रही हूँ। अभी नहाई धोवाई नहीं हूँ, सब्जी रोटी बना के, और अभी मैं चावल बैठाई हूँ, देख सकते हैं चूल्हे पे। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा बर्तन है उसको धो के नहाने जाऊँगी, नहाऊँगी तभी काम ख़त्म होगा, बिना नहाए पूजा पाठ किए ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बर्तन है, मैं इसको धो लेती हूँ, तब तक आप लोग वीडियो बने रहे दोस्तों। तो हमने बर्तन धो लिया दोस्तों, बर्तन धो के अंदर कर लिए दोस्तों। मैं यहाँ आग पे बैठी हूँ, वहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं गर्म होगा पानी तो नहा लूँगी, बाद में पानी चला जाएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब तक जो न्यू देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, ये भुथुआ का साग है, देख सकते हैं, इसको मंडी से लाए हैं, इसको अभी सुखाएंगे। आज जो एक दिन बताए थे ना आप लोग को कि इसको हम लोग अभी सुखा लेते हैं गर्मी में, और जब गर्मी आएगा ना, अभी भुथुआ साग है तब तक सुखा लेंगे इसको, जब गर्मी आएगा तो इसको मार के साथ टमाटर के साथ झोर बना के खाएंगे, जब सब्जी महंगा हो जाएगी ना तब। ये पेट को के लिए अच्छा है, पेट को ठंडा रखेगा। देख सकते हैं मैं अभी है इसलिए चावल बना रही हूँ ना दोस्तों, अभी नाश्ता में रोटी सब्जी बनाए हैं आलू का सब्जी, पर इसलिए इसको बना रहे हैं ना कि बाद में फिर आग पकड़ाना पड़ेगा दोपहर में, धूप आता है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये बना लेती हूँ, ऐसे ठंडा तो हो जाएगा दोपहर तक खाना, पर चलेगा, हम लोग गरीब किसी तरह भी खा लेते हैं, गर्म रहे चाहे ठंडा रहे, गरीबी जैसा दुश्मन तो कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ हो भगवान, बीमारी और गरीबी किसी को ना दे, सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है। हम लोग को परदेश में भी आके कोई सुखी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल परदेश आना नहीं चाहिए, पर क्या करें, बच्चा को पढ़ाना था इसीलिए परदेश आके इतना दिन तक रह गए। परदेश आओ फिर भी वही जितना कमाओ उतना खा जाओ, बचत है ही नहीं, बचत तो 2 पैसा का नहीं है, ऊपर से बहुत कर्ज हम लोग हो गए हैं, बच्चा का पढ़ाई में बहुत कर्ज हो गए हैं दोस्तों, गांव में हो गए, यहाँ हो गए, कब सधाएंगे क्या करेंगे, किस्ती भरते भरते परेशान हैं, खाने के लिए बचता ही नहीं है, इसीलिए जैसा मिलता वैसा खा के रह जाते हैं, उसी में खुश रहते हैं, क्या करें। जो गांव में बैठे रहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि ये लोग गए हैं परदेश तो बहुत कमाते हैं, इन लोगों के पास बहुत पैसा है सोचते हैं, और फ़ोन करके पैसा मांगते रहते हैं, पर हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ किस तरह जी रहे हैं, यहाँ किस तरह रह रहे हैं, घर भाड़ा देना, हर चीज़ खरीद के खाना, एक एक चीज़ खरीद के खाना, पानी तक खरीदना है यहाँ पे, उन लोग को समझ में नहीं आएगा, जब परदेश कभी निकलेगा ना तभी पता चलेगा। दोस्तों अगर हमारे पास पैसा रहता तो एक्स्ट्रा गैस भरा के रखे रहते ना, इसमें झोलाने का क्या मतलब था, कच्चा लकड़ी नहीं रहता है तो आँख लाल हो जाता है, रो रो के बनाते हैं खाना, पर ये गरीबी का हालत, गरीबी हालत के चलते ना यहाँ बैठे रहते हैं, धूप रहे चाहे छाँव रहे चाहे ठंडा रहे, यहाँ पे झोलाते रहो आग में,
कभी कभी तो लगता है ना कि ये हम लोग का गरीबी कभी दूर होगा कि नहीं होगा। कभी कभी मन अनसा जाता है, दुनिया से अनसा जाता है जी। कभी क्या फ़ायदा है कि घूटते रहो, जिंदगी भर घूटते रहो। मन उब गया दोस्तों, तो मैं नहा के आती हूँ दोस्तों, कपड़ा लेके जा रही हूँ, पानी रख दिए बाल्टी में, ठंडा हो जाएगी मेरी पानी, और पोछा उछा बाद में करूँगी आके नहा के। पहले करके नहाना चाहिए, पर पानी चला जाएगा, इंतज़ार नहीं करेंगे, पहले नहा के पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर पोछा करेंगे बाद में। तो दोस्तों हम नहा धो लिए, अब जा रही हूँ नाश्ता करने, आराम से पोछा पोछी करेंगे। पहले पेट पूजा फिर पूजा बोलते हैं ना, पूजा तो खैर कर लिए, देख सकते हैं दीपक जल रहा है, तो पहले पेट का पूजा करने जा रहे हैं आप। तो दोस्तों हम यहीं पे चूल्हे पे बैठ के खा रहे हैं, देख सकते हैं इसको तवा चढ़ा दिए, फिर गर्म कर ले रहे हैं, थोड़ा ठंडा हो गया था। फिर यहाँ देखिए सुबह बनाए हैं आलू का सब्जी, रोटी, अभी खाएंगे। आइए आप लोग भी खाने दोस्तों। लीजिए दोस्तों, खा लीजिए आप लोग। गरम करके यहीं पे खा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बोरा बिछाए हैं, यहीं पे बैठे हैं। तो दोस्तों देखिए मैं अब दवाई खाने जा रही हूँ, खाना पीना खा लिए दोस्तों, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। दवाई खाने जा रही हूँ, देख सकते हैं। दस बूंद खाना होता है दोस्तों, क्योंकि मुझे तो दवाइयों पर जीना है। आठ मिनट कर तो बोन लगने कम कर्म कोई रहो से। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी पोछा लगा रही हूँ घर को, देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में बने रहे दोस्तों। आज जो न्यू देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। तो दोस्तों पोछा खत्म हो गया, पोछ लिए। तो दोस्तों पोछा पोछी करके फिर यही जगह बैठ गए। आज दोस्तों पता नहीं क्यों गांव जैसा लग रहा है, यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोरी बिछाए हैं, यहाँ से यहाँ पे आराम से बैठे देख लीजिए मुंह को तोप रही है वो कैमरा में नहीं आना चाहती है दोस्तों, इसीलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं लाती हूँ, आने का मन रहेगा तो खुद ही आएगी तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज गया, अब जाते हैं चटनी बनाएंगे फिर खाना खाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों हरी हरी धनिया का चटनी बनाएंगे, आजकल यही सब अच्छा लगता है दोस्तों, अब यही धनिया का चटनी ही अच्छा लगेगा, धनिया का, पुदीना का। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सिलबट्टा में चटनी पीस रहे हैं, सिलवेट को नीचे उतार लिए हैं, यहाँ पे बैठ के पीस रहे हैं, देख सकते हैं मज़ेदार चटनी बना रहे हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने चटनी बना लिया। इधर देखिए चावल और वही तभी का सब्जी खा रहे हैं। आइए दोस्तों आप लोग खा लीजिए, देखिए ग्रीन ग्रीन चटनी के साथ भात। मस्त लग रहा है, खट्टा खट्टा। तो दोस्तों चटनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहे हैं। तो दोस्तों हम खाओ लिए, देखिए पानी पी रही हूँ, पानी पी के दवाई खाऊंगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए मेरा वीडियो को, अपना दोस्तों के पास, अपना भाई बहन के पास भेजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, आगे बढ़ाइए। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल लेकर। फिर मिलते हैं कल एक नया वीडियो में दोस्तों।